तीस तारीख की घटना है। 30 तारीख को एक चोलापुर थाना अंतर्गत अजगरा पुलिस चौकी में गांव है चौबेपुर खुर्द, वहां पर एक आशीष चौबे को फर्जी तरीके से पुलिस ने 25 आर्म्स एक्ट में और उनको फर्जी तरीके से फर्जी आर्म्स एक्ट दिखाकर उनको जेल भेज दिया। उनके परिवार के लोगों ने बताया कि घर से आके पकड़ के ले गए और उनके ऊपर आर्म्स दिखाया और उनके साथ फर्जी कट्टा और कारतूस दिखाया गया। तो वही हम सब लोग उनके परिवार के लोगों से कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने गया था गाँव में, तो वहाँ पर कहा गया था हम लोगों के द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। उसी के मद्देनज़र आज जिला अध्यक्ष जी के और शहर अध्यक्ष जी के सबके नेतृत्व में हम लोग आज SSP को डेलीगेशन आया मिलने के लिए, और उनके परिवार के लोग भी, उनके पिताजी, माताजी और उनके भाई भी आए। वो लोग अभी बैठा, रोका है प्रशासन ने कि आपसे बात उस समय करके कराएंगे। मैं समझता हूँ कि उस परिवार को न्याय मिले, कांग्रेस पार्टी उनके साथ सदैव खड़ी रहेगी, और जब तक न्याय मिले नहीं मिलेगा तब तक हम उस चौबे परिवार के साथ खड़े। बुरी संगत छुड़ाने का मतलब ये नहीं ना है कि आप उसको सुधारने के बजाय उसको अपराधी बना देंगे। उसको सुधारने का प्रयास करने के लिए माँ अगर गई, उनके परिवार को उन्होंने जाके पुलिस से आग्रह किया कि हमारा बेटा शराबी है या हमारा बेटा झगड़ालू है, तो पुलिस के पास गया तो पुलिस के पास क्यों जाता? नहीं, क्यों सुधारिए, उसको डांटिए डपटिए, उसको बिगड़िए कि फर्जी तुमको मुकदमे फंसा देंगे। अब उसको घर से ले जाके पकड़कर 25 आम सेक्ट में जेल भेज दिया, तो जो उसके मन में थोड़ा बहुत ही गलत सोहबत और रही होगी तो सोहबत और गंदी बढ़ जाएगी। तो इस सुधारने का काम पुलिस ने नहीं किया है। उसी के मद्देनज़र हम लोग आज SSP के पास आए थे कि कम से कम उस आशीष चौबे परिवार को, आशीष चौबे को जो गलत तरीके से फंसाया गया उसकी जांच करा के, और पुलिस जो जिन्होंने गलत काम किया है, जिस पुलिस चौकी ने, चौकी इंचार्ज ने गलत काम किया, उसके खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।